अस्सलामुअलैकुम, हम मिलाद क्यों मनाते हैं और उसकी शरी हैसियत क्या है। जज्बात से हटकर दलील की रोशनी में आज हम इसका जायजा लेंगे कि हम मिलाद मुस्तफ़ा क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने नौजवान भाइयों को ये बताने की कोशिश करूँगा, मिलाद का मतलब होता है विलादत। बहुत ध्यान से आराम से सुनिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि गुफ्तगु जज्बाती होने के बजाय कुछ लॉजिकल हो। मिलाद का मतलब, ये मिलाद बना है विलादत से। विलादत का मतलब होता है पैदा होना, तो मिलाद मतलब पैदा होना। अब मिलाद हम जब कहते हैं मिलाद मुस्तफ़ा, यानी हम हुजूर की पैदाइश की खुशी मनाते हैं, हम अल्लाह के नबी की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई ना समझ या कम इल्म वाला बच्चा सवाल करता है कि आप मिलाद क्यों मनाते हो, तो उनको एक छोटा सा आसान सा ये जवाब देना, आप मुझे ये बताए कि वो कौन सा बंदा है कि जिसकी पैदाइश पर खुशी ना मनाई गई हो। जो भी दुनिया में बच्चा आता है उसकी खुशी एतबार से मनाई जाती है। हम्माल के घर अगर बच्चा पैदा होता है तो कम से कम खुशी इतनी होगी कि माँ बाप खुशी मनाएंगे, दादी दादा भी खुशी मनाएंगे। और अगर वो बंदा और भी ज्यादा पोजीशन वाला है, अगर वो बंदा बहुत ज्यादा पैसे वाला है, तो फिर रिश्तेदार भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। वो बंदा अगर और भी ज्यादा पैसे वाला है तो मोहल्ले वाले भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। अगर वो बच्चा MLA का बच्चा हो तो मुमकिन है कि पूरा गांव खुशियों में शामिल हो जाएगा। लेकिन याद रखे, कोई ऐसा बच्चा नहीं होता कि जिसकी पैदाइश पे खुशी ना मनाई जाए। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जरा ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पैदाइश पर ना माँ को खुशी होती है और ना बाप को खुशी होती है। वो बच्चे वो होते हैं जो बिन बाप के और बगैर शादी के पैदा होते हैं। उनकी पैदाइश पे किसी को कोई खुशी नहीं होती, लेकिन जो निकाह से पैदा होते हैं, शरीफों के यहाँ पैदा होते हैं, पहला बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, दूसरा बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, तीसरा बच्चा है तो और भी ज्यादा खुशी मनाई जा रही है। यानी दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जिसकी आमद पे खुशी ना मनाई जाए। अब आप मुझे बताएं, जब लल्लू पप्पू और टप्पू के यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हो तो उसकी खुशियाँ लोग मना रहे हैं, जब आमिना के घर आप आए तो क्या हम खुशी नहीं मनाएंगे। आजकल जिसको देखो नबी के आमद पर मुबारकबादियां दे रहा है, उससे नबी के आमद कितनी खुशियां है। और जो इंसान मना कर रहा है, अब आप मुझे बताएं कि जो इंसान मना करने वाले के दिल में कहीं ना कहीं नबी की पैदाइश के हवाले से दुख है, बीमारी है, दर्द है, जलन है, इसीलिए तो वो रोक रहा है आपको। वरना मेरे नबी जब तशरीफ लाए थे तो हदीसे पाक में आता है कि मशरिक के जानवर ने मगरिब के जानवर को मुबारकबाद पेश की थी, पत्थरों ने खुशियां मनाई, कंकड़ों ने खुशियां मनाई, फरिश्तों ने भी खुशियां मनाई थी। अल्लाह ने खुशियों का इजहार इस तरीके से किया कि जिस साल नबी की विलादत हुई उस साल अल्लाह ने बेटियां पैदा नहीं फरमाई, 70,000 बेटे ही बेटे पैदा फरमाए। फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़्लिही